तो हेलो गाइस, हम जा रहे हैं जोशीमठ से बद्रीनाथ। तो आज बद्रीनाथ में स्टे करेंगे और आपको दिखाएंगे बद्रीनाथ के नज़ारे। तो अभी हम जोशीमठ से निकल चुके हैं आगे की ओर, और ये जो आप सामने पुल देख रहे हैं ये है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग हम पहुंच चुके हैं, अब कुछ ही देर और आगे जाके फिर आएगा गोविंद घाट, फिर आएगा पांडुकेश्वर। तो आप नज़ारे देखिए, ये सामने देखिए एकदम नज़ारे विष्णु प्रयाग पुल के। यहाँ पे जेपी पावर प्रोजेक्ट भी है और आगे से हमारी जा रही है पुलिस की PCR। बहुत ठंडा हो रहा है, देखो रोड भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी बनी हुई है, 4 लेन रोड बनी हुई है। और अगर आजकल आना चाहते हैं तो आप आजकल आ सकते हैं बद्रीनाथ। और हम जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड की गाड़ी में, कल सीएम साहब की विजिट है बद्रीनाथ। तो ये देखिए कि काफ़ी अच्छा रोड जो है यहाँ पे बनाया गया है, आउटस्टैंडिंग रोड। जहाँ जहाँ पे डैमेज था रोड तो वहाँ वहाँ पे ये पेंटिंग की हुई है नई, जिससे खड्डों का पता न चले। और ये हम पहुँच चुके हैं गोविंद घाट। आजकल गोविंद घाट बिल्कुल सूना पड़ा हुआ है क्योंकि हेमकुंड साहिब यात्रा बंद हो चुकी है। या जो नीचे रास्ता देख रहे थे ये जाता है अपना गोविंद घाट के लिए, ये सामने आपको रास्ते दिख रहे होंगे, सामने से सुनना भी ले जाएगा। इसके बाद जो आएगा पांडुकेश्वर गांव आएगा, बस कुछ ही है चेक पोस्ट पांडुकेश्वर की। ये देखिए पहुंच गए हम चेक पोस्ट, जहाँ पे यात्री जो भी हैं आउटसाइडर कार्स वो अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाती है, तभी इनको आगे जाने दिया जाता है। हमको नहीं रोका क्योंकि हम सरकारी गाड़ी में बैठे हुए हैं। और ये सामने आप देख सकते हैं पांडुकेश्वर का गेट है, ये हमारे आर्मी के जवान की ट्रक बॉर्डर से आ रहे हैं ये सब। हौले हौले आगे बढ़ते हुए हमारा सफ़र, वो नीचे आप सामने देख सकते हैं पांडुकेश्वर गांव है जहाँ पे भव्य कुबेर मंदिर का निर्माण हो रखा है। तो आप आके देख सकते हैं, काफ़ी भव्य मंदिर बनाया गया है ग्रामवासियों द्वारा, कुबेर मंदिर जहाँ पे कुबेर जी की मूर्ति स्थापित होती है बद्रीनाथ बंद होने के बाद। ये एक छोटा सा मार्केट पांडुकेश्वर गांव का, इधर भी आजकल सुनसान है क्योंकि यात्रा जो है आजकल काफ़ी कम हो चुकी है। 17 तारीख को कपाट बंद होने जा रहे हैं पांडुकेश्वर के। चलिए चलते हैं आगे। टेम्परेचर जो है अभी करीब करीब 1 या 2 है, काफ़ी ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। इस पांडुकेश्वर गांव में धूप भी जल्दी चली जाती है, जल्दी आती है और जल्दी चली जाती है। यहाँ पहुँच गए विनायक चट्टी गांव, यहाँ पे हमारी एक दीदी रहती है, ये है विनायक गांव। और नदी के उस पार है अरुड़ी पटुड़ी गांव। हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हुए ये आ गया लाम बगड़ स्लाइड। यहाँ पे पहले बहुत तगड़ा ऑफ रोड वाला रास्ता हुआ करता था, तो यहाँ पे काफ़ी टाइम लगा के यहाँ पे काफ़ी अच्छा रोड यहाँ पे बनाया गया है NH द्वारा। अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है। अब यह है लामबगड़ का छोटा सा मार्केट, जहाँ पे आप चाय कॉफ़ी मैगी भोजन पराठा ये सब खा सकते हैं। ये देखिए रोड, ये नज़ारे काफ़ी अच्छे हैं। ये देखिए ये आ गई अब डेडलिस्ट रोड, चट्टानों के नीचे से सफ़र करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। एकदम डेंजरस रास्ता यहाँ पर, जैसे कि आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं। और सामने जो है एक नए पुल का भी निर्माण हो रहा है, पहले एक छोटा सा पुल था जो अब जिस पुल से अभी हम जाएंगे, बाकी आने वाले टाइम में हम इस वाले पुल से जाएंगे। वो तो वीडियो बनाते बनाते आ रहे हैं। ये पुल है टेम्प्रेरी जस्ट, अब इसके बाद बनेगा भैया वाला पुल, हैवी पुल बनेगा इसके बाद।
इधर भी रोड का चौड़ीकरण का काम जारी है। यह डैम साइट जी 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 सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ये अपना जेबी कंपनी, जेबी का बैराज यहाँ कुछ ही दूरी पे है हनुमान चट्टी, जहाँ पर सभी भक्तजन जाते हैं, ऊपर और नीचे जाते हैं। बदना जाते डैम और बदना से आते डैम भी अभी भी है रश, थोड़ा बहुत रश है पर इतना नहीं है जितना 2-3 महीने पहले हुआ करता था। वो आप सामने देख सकते हैं ऑरेंज कलर का, वो है हनुमान चट्टी हनुमान मंदिर। यहाँ तक काफ़ी स्नोफॉल होता है, आप विंटर्स में कभी आएंगे घूमने तो यहीं तक आप आ सकते हैं, इसके आगे नहीं जा सकते हैं, जैसे आप कपाट बंद होने के बाद आएंगे। बस अब कुछ ही किलोमीटर्स का सफ़र रह चुका है, 10 से 12 किलोमीटर। चलते हैं आगे। मैंने जब मैं गाड़ी में बैठा था तो मैंने वॉइस रिकॉर्ड नहीं की थी अपनी, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ इसमें, जिससे मैं आपको बता सकूँ जगह जगह। ये देखिए क्या मस्त रोड बना रखी है पेंटिंग, आने वाले टाइम में एकदम मक्खन रोड होने वाली है यहाँ पर पूरी। पर यह है कि जैसे बरसात शुरू होती है तो फिर रोड थोड़ा डैमेज भी हो जाती है। ये देखिए ये वो वाटरफॉल है जहाँ पे लोग अपनी गाड़ियाँ एक ही सेकंड में 2 डालते हैं। तो अभी हम जिन गाड़ियों में आए थे वो भी वॉश हो रही है, क्योंकि कल विजिट है CM सर की, तो इस वजह से क्लीन वगैरह कर रहे हैं। ये देखिए इतना चिल्ड पानी है ना, यहाँ पे पूरा ग्लेशियर का पहाड़ जमा रहता है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो भी एक मैंने बद्रीनाथ की डाली थी, आप देखना अगर आप देखना चाहते हैं। हम पहले भी यहाँ पे रुके थे तो उस टाइम पूरा बर्फ़ का ग्लेशियर था। तो गाड़ी वगैरह हमने वॉश कर ली, अब निकल चुके हैं हम आगे के लिए। अब सिर्फ 2-3 किलोमीटर का ही सफ़र रह चुका है और ये पहुँच गए हम चेक पोस्ट बद्रीनाथ में, जहाँ पे पर्ची वगैरह कटती हैं पार्किंग की। और ये है सामने हमारा बद्रीनाथ जी, जय बद्री विशाल। बद्रीनाथ में अभी काफ़ी निर्माण कार्य प्रगति पर है, आने वाले समय में एकदम चमकता हुआ बद्रीनाथ आपको दिखेगा। काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है अभी। ये सामने आप देखिए हल्का सा दिख रहा होगा, ये बामड़ी गांव है जहां पांडुकेश्वर वाले रहते हैं 6 महीने के लिए। स्कूल वगैरह छोटे बच्चों की भी वहीं शिफ्ट कर देते हैं, अपने गाय भैंस वगैरह सब कुछ लेके आते हैं, क्योंकि 6 महीने यहीं स्टे करते हैं गांव वाले। तो ये है बद्रीनाथ में एंटर कर चुके हैं हम। ये देखिए शाम का नज़ारा बद्रीनाथ का, ठंड भी काफ़ी हो रही है, लोगों ने आग जला रखी है। और ये सामने देखिए बद्रीनाथ जी, जय बद्री विशाल। रात को कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है बद्रीनाथ का नज़ारा। जय बद्री, हम आपको दिखाएंगे यहाँ की मार्केट की रौनक। ये गलती से ऐड हो गई वीडियो, ये देखिए ये है बद्रीनाथ का छोटा सा मार्केट, जहाँ पे आपको गर्म कपड़े, फूल मालाएं, प्रसाद वगैरह, खाने पीने के साधन सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी चढ़ाई थी तो मेरे पैर में थोड़ा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मेरे पैर में प्लेट्स डली हुई हैं, इसलिए मैं स्लो स्लो ही चल पा रहा हूँ। यहाँ पर गर्मा गर्म आपको केसर दूध भी मिल जाएगा, जिससे आपको नई ब्लॉग के साथ ठंड का एहसास नहीं के लिए। जय बद्री विशाल। तो हम रुके हुए होटल में और हमने जो है अभी खाना ऑर्डर कर दिया है, खाना खाएंगे फिर सो जाएंगे, फिर सवेरे उठेंगे हम 3 बजे, मिलते हैं तब। ओके अब आप पहुंची ना तो वर मंदिर तो पन का तो भोग जरूर दर्शन। ये देखो गरीब आदमी क्या खा रहे हैं, ये गरीब आदमी देखो क्या खा रहे हैं, गरीब आदमी टॉफी। तो हमारा आ चुका है डिनर और
ये है दाल और ये है मिक्स वेज। तो अभी हम खाना खाएंगे और तब चलो ठीक है। तो हम जो है अभी डिनर कर रहे हैं, ये हमारा डिनर रखा हुआ है, बाकी दिखाएंगे कल सुबह। आज के लिए गुड नाइट, जावेद रुशाल, मिलते हैं कल, बाय बाय।